से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी, मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं, अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है, बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा रेसलिंग, जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से, मैं जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में, फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में, हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या क्या नहीं है, किस लेवल का है। जो बोल रहे थे ना कि हम ग्रेड डी बनाएंगे, ग्रेड एफ बनाएंगे, हर साल बच्चों को पैसे देंगे, कुछ नहीं मिल रहा बच्चों को। वो दो किस्त वो बड़े खिलाड़ियों को इसलिए दे दी कि कहीं बोलना दे। तो विनोद तोमर जो है रेसलर्स का हक मार रहे हैं, जो पैसा होता है हमें घर ले जाके वो जांच आप करिए, आपके माध्यम से वो जांच होगी कि तोमर जी खा रहे हैं या कोई और खा रहा है, कौन ऐसा मगरमच्छ बैठा है जो खिलाड़ियों का को सारे को खा रहा है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है और ये अपने घर भर रहे हैं, खिलाड़ियों तक आ ही नहीं रहे यार। विनेश एक सवाल, बार बार लखनऊ कैंप से आता है कि इनडिसिप्लिन के लिए महिलाओं को बाहर निकाल देते हैं, क्या होता है वो इनडिसिप्लिन, क्या क्या बार बार वो जो कोचेज उनके जो फेवरेट कोचेज होते हैं वो उनको ना तो ट्रेनिंग करवाना आता है, जो हमारे चीफ कोच भी बना रखे हैं उनका क्वालिफिकेशन देखे, उन्होंने कभी जिंदगी में रेसलिंग भी की हो तो वो क्या पूरे साल सेम हमने बता दिया वो ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। अभी कॉम्पिटिशन है, मुझे दूसरा ट्रेनिंग करना है, मैंने बोल दिया कि सर ये ट्रेनिंग से तो काम नहीं चलेगा, मेरे को कुछ दूसरा ट्रेनिंग करना है क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज को रिक्वायर करी है, तो मैं इनडिसिप्लिन हूँ। किसी एथलीट को इंजरी हो रखा है, उसने बोल दिया कि सर मैं आज मैट पे ट्रेनिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को इंजरी है, मेरे को बड़ी इंजरी करवा के ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो इनडिसिप्लिन है। जो एक लड़की है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी, उसका जाने से पहले 1 महीने पहले तक इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया चीफ कोच ने कि आपका वेट देखूंगा मैं जाने से पहले। वो कौन है वेट देखने वाले? और मुझे याद आ रहा विनेश वहाँ पर भी कुछ हुआ था, क्योंकि वो लड़की को जबरदस्ती पुश किया गया 10 दिन पहले कंपटीशन से, उसका वेट देखा गया है, वो लड़की का ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे आया है। उस लड़की की गलती कहाँ है? वो जूनियर की है, वो बोल नहीं सकती। क्या उस कोच पे कोई एक्शन हुआ? क्या करने को रेडी है? लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट बैठा है, देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, जांच हो जाएगी तो सब साफ हो जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जो जो सिचुएशंस आप लोगों ने झेली हैं, ये पिछले 10 सालों से जो है वो चल रही थी, और इसमें अब आप लोग जो है जिस तरीके से आके सामने आप लोगों ने जो है आरोप लगाया, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम वही चाह रहे हैं कि हमारे रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाना चाहिए, उनको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो भी बाकी जो फेडरेशन के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। इतना टॉर्चर हो रहे हैं कि हमने से किसी के साथ कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है, और आपकी आंखों में आंसू देखेंगे और देश के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक्स में हमारा इतना नाम रोशन करा है आज उनको रोना पड़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। सो आई हैव इशूड अ नोटिस टू दिल्ली पुलिस एज वेल एज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड मैं पूरी तरीके से साथ मेरे लायक जो आपको लगता है आप बताइए, आपके साथ बैठना है, साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि हमारे देश के खिलाड़ी ऐसे सड़क पे बैठे, वो भी जनता लोगों का सपोर्ट है। मैम इतनी हिम्मत करके बहुत साल लगे, आपने बहुत हिम्मत करी है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, आसान नहीं हो, और उम्मीद करते हैं कि हम जितनी लड़कियों के साथ दीवाना
वो निकल के आए, शायद उनको हिम्मत मिलेगी शायद। आपने जो करा है आज, उससे मेरे को लगता है पूरे देश में और जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके से यौन शोषण हो रहा है अपने वर्क प्लेस पे, उनको भी बहुत मिलता है जी। डेफिनेटली मतलब हम देश को मतलब एक अगर कहीं पे भी किसी भी में अगर हम जागरूक कर सकते हैं तो नहीं, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ। और एक बार इसके ऊपर हम न्याय करवाएं उसके बाद एक बार मिलते हैं और लड़कियों के साथ क्या कैंपेन कर सकते हैं जिससे कि महिलाएं आगे आए। बट रियली विनेश, आई एम एब्सोल्युटली देयर विद यू एंड प्लीज आज के बाद आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए विनेश, पूरी तरीके से आपके साथ लोग अगर मैं पूरी तरीके से साथ हूँ, मैं रात में भी आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं टोटली आपके साथ हूँ बिकॉज आई जस्ट कांट सी। आप लोग तो इस देश के रोल मॉडल, आपको देख के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि विनेश फोगाट जैसा बनना है, साक्षी मलिक जैसा बनना है, तो आप लोगों ने क्या गलत किया? तो उसके ऊपर इस तरीके से जो भी हो रहा है।